नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रोमिंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग पहुंचा है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में जो होटल में हम लोग रुका है, यहाँ पे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। आज हम पूरा दिन घूमेंगे पुडुचेरी का साइट सीन, लेकिन शुरुआत करते हैं यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ। हमारे रूम पे सर्व करके देखे गए वो लोग ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया आप देखिए, डोसा दिया है, डोसा के साथ इडली है, और इसके अलावा आपका मेदू बड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे खिचड़ी है, और यहाँ पर कोकोनट चटनी है, सांभर है, और उसके बाद स्वीट डिश में हमें दिया है सूजी का हलवा, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे टी या कॉफ़ी है। तो उसके बाद टी और कॉफ़ी, फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट, और फिर हम फ्रेश होके निकलेंगे साइट सीन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका मसाला डोसा दिया है, और कल नाइट पे हम लोग जो डिनर लिया था इनके पास से, वो भी बहुत टेस्टी था। प्रॉन्स का जो मसाला था, प्रॉन्स ग्रेवी, वो भी बहुत टेस्टी था। चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे नीचे जाके आपसे बात करता हूँ। अभी हम लोग होटल से निकल गया और जा रहे हैं पुडुचेरी के मार्केट के अंदर से हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन में। एक टेम्पल है, टेम्पल का नाम मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। बाकी आप पुडुचेरी का मार्केट एंजॉय कीजिए। कल हम लोग आए थे इवनिंग के टाइम, और अभी दिन के टाइम हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो आपको कोई कमी नहीं है यहाँ पे। दोस्तों आज के दिन का मैंने शुरुआत किया श्री मानाकुला विनायका टेम्पल के साथ। पुडुचेरी के आज के मॉर्निंग मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंदर गया पूरा आपका गणेश जी का ये मंदिर है। अंदर बहुत कुछ देखने का है गणेश जी के बारे में, काफ़ी सारा छोटा छोटा मूर्ति है, और मेन टेम्पल देखना बहुत अच्छा लगा। अंदर जाके दर्शन किया, अंदर आपका अलाउ नहीं है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेक करके अंदर दे मतलब देने के लिए दे रहा है, और बाहर आपको काफ़ी सारा ऐसे स्टॉल मिल जाएगा जहाँ से आप पूजा का सामग्री ले सकते हो और अंदर जाके पूजा दे सकते हो। तो दर्शन करके आ गया, अभी चलिए चलते नेक्स्ट। दोस्तों अभी हम लोग आ गए आपका श्री अरविंद जी आश्रम में। ये आपका टाइमिंग अलग अलग है, टाइमिंग मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन में भी आप देख सकते हो। अभी 11 बजे बंद हो गया, हमें पता चला कि शायद पता था कि शायद 12 बजे बंद होगा, बाकी अभी आज से टाइम चेंज किया, 11 बजे बंद हो जाता है, फिर 4:30 बजे ओपन होगा। जो भी है अंदर अगर आप आएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, तो अंदर आप देख सकते हो कि ऋषि अरविंद जी का आपका समाधि है, तो वो आप देख सकते हो। अभी हम लोग मिस किया, बाकी सामने आपका पुडुचेरी बीच है, अभी हम लोग उधर जाएंगे। यहाँ से करीब मेरे हिसाब से 200 मीटर ही आप देख सकते हो, यहाँ से दिखाई भी दे रहा है 200 मीटर। तो चलिए सीधा चलते बीच पे। दोस्तों देखिए आपका व्हाइट टाउन में है पुडुचेरी बीच के 100 मीटर पहले एक रेस्टोरेंट है, नाम देखिए दिल्ली वाला 6। ये आपका व्हाइट टाउन के अंदर है। व्हाइट टाउन में ना आप जितना भी बिल्डिंग देख रहे हो, 99% बिल्डिंग आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। एक अलग ही मतलब इसका खूबसूरती है, व्हाइट व्हाइट कलर बिल्डिंग। इससे पहले गोवा के पंजिम में हमने देखा था, वहाँ पे आपका कलरफुल सा बिल्डिंग था। यहाँ पे सारे बिल्डिंग आप चारों तरफ देखेंगे ना, इधर देखेंगे या इस तरफ देखेंगे, ये चारों तरफ आपको व्हाइट कलर का बिल्डिंग है। बाकी देखिए इसके आगे आपका बीच है, अभी हम बीच पे चल रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग पुडुचेरी बीच के बिल्कुल सामने ही है, इधर आप देख सकते हो मेरे इधर पुडुचेरी बीच है। इसको अगर ना हम पुडुचेरी का मरीन ड्राइव कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, इतना खूबसूरत आपका मरीन ड्राइव जैसा यहाँ पे एटमोस्फेयर है। और आगे जाके आपको चीफ सेक्रेटरी का आपका ऑफिस भी है आगे जाके, और इस तरफ ना आपको आगे ये आपका वॉर मेमोरियल भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे पूरा 1 किलोमीटर का एरिया देखेंगे ना, इसके अंदर आपको काफ़ी सारा चीज़ देखने के लिए है, जैसे कि एक पार्क आपको दिखाया था, म्यूजियम है, मरीन ड्राइव है, टेम्पल है, अरविंद जी का आश्रम है, ठीक है, तो मेमोरियल, वॉर मेमोरियल, तो काफ़ी सारा चीज़ आपको, करीब 5-6 पॉइंट है जो आपको एक
से 1.5 किलोमीटर के बीच में ही है। आप चाहे तो इसको ना घूम के भी, मतलब पैदल वॉकिंग डिस्टेंस में ही है सब, वॉकिंग डिस्टेंस में, तब इसको भी ऐसे घूम सकते हो। इधर आप देखेंगे गांधी जी का मूर्ति है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में आप नेहरू जी का मूर्ति देखेंगे इधर। और इतना खूबसूरत हवा दे रहा है ना, अभी पता नहीं मेरा ऑडियो आपको अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये पूरा एरिया जो आपका है ना ये वॉर मेमोरियल बना। दोस्तों अभी हम लोग खड़ा है ना आई मंडापाम भारती पार्क के सामने। एक्चुअली ये जो एरिया है ना पूरा आपका गवर्नमेंट ऑफिस का एरिया है, जिसके वजह से ना आपको कई जगह पे पार्किंग का थोड़ा इशू होगा और आपको टाइट सिक्योरिटी देखेंगे। मेरे सामने है अभी ये पार्क है, ये पार्क का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का। तो आप यहाँ पे आएंगे तो टाइम स्पेंड कर सकते हो अच्छा, 1-2 घंटे आधा घंटे। बाकी हम लोग यहाँ पे अभी नहीं रुक रहे, हम लोग आगे जा रहे क्योंकि हमें काफ़ी सारा पॉइंट यहाँ पे कवर करना है। आप आएंगे तो दिन के टाइम हो या शाम के टाइम, आप देख लेना 6 बजे बंद हो जाता है तो उसके हिसाब से आप आ सकते हो। यहाँ पे अंदर बैठने का, बच्चे को खेलने का बहुत बड़ा स्पेस है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ना पुडुचेरी म्यूजियम के सामने हैं, अभी हम लोग म्यूजियम देख के बाहर आया। यहाँ पे ना आपको काफ़ी पुराना टाइम का जो पत्थर के जो देवी देवता का मूर्ति बनाया गया था ना वो आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। बहुत सारा कलेक्शन है और आप मंडे यहाँ पे क्लोज रहते हैं या कोई हॉलीडे है तो उस टाइम भी छुट्टी रहता है, आप टाइम देख के आना। आपका 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। टिकट चार्ज है यहाँ पे, आप अंदर जाके देख सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, पुराना और अलग अलग बहुत पुराना टाइम का, करीब 13th सेंचुरी 16th सेंचुरी का आपका मूर्ति, देव देवी का मूर्ति यहाँ पे कलेक्शन में है। अंदर देखने का, अंदर बहुत कलेक्शन है, आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि इस लाइन में ना थोड़ा पार्किंग का इशू है क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफिस का एरिया है ये सब। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपका पुडुचेरी जो रेलवे स्टेशन है ना इसके ऑपोजिट में आपको एक हार्ट बसेली का चार्ज भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहो तो इधर भी आ सकते हो। और इस तरफ अगर हम देखेंगे ना ये आपका पुडुचेरी का स्टेशन है, ये आपका पूरा स्टेशन एरिया है, ये आप जो देख रही हो ना स्टेशन एरिया है। दोस्तों आपका चार्ज के बिल्कुल साइड में एक और मंदिर भी है। तो अभी मैं खड़ा हूँ ओरोविला के पार्किंग लॉट में। एक्चुअली ओरोविला में यहाँ पे आपको ना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, येलो कलर का बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे ना कभी गूगल में या कहीं पर भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेडिटेशन सेंटर है। बाकी मार्च मंथ से जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, उसके बाद से अभी ये बंद है। अभी दिसंबर आ गया, फिर भी अभी दिसंबर में कोई डेट फिक्स नहीं किया, बोला अभी यहाँ पे कि दिसंबर में ओपन करेगा लेकिन अभी भी ओपन नहीं है। अगर आप कभी यहाँ पे आएंगे तो इनको वेबसाइट में चेक करके जरूर आना कि आपका कब खुलेगा। इसका टाइमिंग सुबह करीब 9 बजे से लेकर 6 बजे के बाद 6 बजे तक का है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पार्किंग लॉट से आपको करीब 1 किलोमीटर पैदल जाके फिर आपको सेंटर आएगा देखने के लिए। अभी यहाँ पे अंदर जाके हम थोड़ा सा इंक्वायरी किए तो पता चला ये सब बातें जो मैं आपको अभी बताया। और यहाँ पे आते आते ओरोविला में आपको ओरोविला बीच भी आप देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ से जहाँ पे हम खड़ा है यहाँ से करीब 7 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे आपको सामने कुछ आपका दुकान भी मिल जाएगा, चाहे रेस्टोरेंट आपको इस लाइन पर बहुत सारा है, आपका सी फूड का रेस्टोरेंट बहुत सारा हमने देखा यहाँ पे है। तो जो भी है अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आज हम जाएंगे यहाँ से कंजीपुरम जो हमें करीब 2.5 घंटे लगेगा। तो चले कंजीपुरम चलते और नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ पे आएंगे पुडुचेरी में तो आई होप उस टाइम खुला रहेगा और आपको फिर दिखाएंगे।
तो अभी हम लोग कांजीपुरम मैस पहुंचने ही वाला है, थोड़ा सा बीच क्रॉस करते हैं, और उससे पहले देखो ये लंबा सा बीच आ गया,